अब्दुल के यहाँ जा रहे हैं। अरे सुन तो, अब्दुल कहाँ है? अब्दुल, अब्दुल पता नहीं कहाँ चला गया। करण, अब्दुल, करण बेटा अब्दुल को भूल जा, वो नहीं आएगा। क्या हुआ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ अब्दुल को? कुछ नहीं हुआ, बस तू इतना जान ले वो अब तुझे कभी नहीं मिलेगा। क्यों माँ, बोलो ना माँ। क्या बताऊं बेटा, वो अपनी कॉम वाले देश चला गया। माँ कौन, ये क्या होता है? बेटा वो मजहबी मुसलमान था तो उसे पाकिस्तान जाना पड़ा। मजहबी मुसलमान? पर माँ पहले तो आप ऐसे शब्द कभी नहीं बोलते थे। हाँ बेटा, हमारा और उसका धर्म अलग था, वो मुसलमान था। दोस्त है वो मेरा माँ। ये बल्ला देख रही हो ना माँ, हम दोनों इससे साथ खेलते थे। कभी वो ज्यादा रन बनाता था तो कभी मैं। ये बटा नहीं था हमारे बीच, इसने हमें कभी अलग नहीं किया। और ये कंचे देख रही हो ना माँ, ये कल मैंने ही उससे जीते थे और उसने कहा था कि आज ये कंचे वो मुझसे जीत कर दिखाएगा। बेटा जानती हूँ वो तेरे लिए क्या था, बहुत रोकना चाहा था मैंने उसे, पर यहाँ उसकी जान को खतरा था। उसके धर्म के सब लोग पाकिस्तान जा रहे थे सो उसे भी जाना पड़ा। बेटा यहाँ के सब लोग कहते हैं कि वो इस देश का नहीं था क्योंकि उसकी कौम अलग थी। माँ हम दिवाली और ईद दोनों साथ मनाते थे, फिर वो मुसलमान और हम हिंदू, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? माँ अब मैं किसके साथ खेलूंगा, किसे अपनी वो पागलों वाली कहानियां सुनाऊंगा? इस कौम के झगड़े में मुझसे मेरा दोस्त क्यों छीन लिया माँ? माँ तू कहती थी ना हम आजाद हो गए। झूठी है, तू झूठ बोलती है, हम आजाद नहीं, अब कैद हो गए, कैद हो गए हम, मुझसे मेरा दोस्त छीन लिए माँ। हाँ बेटा, अब हम धर्म और मजहब के पिंजरों में कैद हो गए हैं। ये धर्म और मजहब के नेता अब अपने इशारों पर नचाएंगे और हम नाचेंगे क्योंकि हम आजाद नहीं, कैद हुए हैं। इंसानियत ने भी अपना धर्म ढूंढ लिया। सवाल है माँ, इंसानियत का भी कोई धर्म होता है? क्या बताऊं बेटा तुझे, अगर इंसानियत का भी कोई धर्म होता है तो हे ऊपर वाले मुझे अगले जन्म में इंसान मत बनाना, जानवर बनाना, जानवर, जानवर बनाना। माँ अगर अब्दुल यहाँ नहीं है तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना। अब्दुल नहीं तो मैं भी नहीं, मैं जा रहा हूँ।